G20 में शामिल होने के लिए भारत आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दो दिन एक्स्ट्रा रुकने के बाद वापस लौट पाए हैं। उनके प्लेन में खराबी आ गई थी, जिसके कारण वह 12 सितंबर को दोपहर 1 बजे तक भारत में ही रहे। उनके साथ आया प्रतिनिधिमंडल और कनाडा का मीडिया भी फंसा रहा। कनाडा की मीडिया ने सीधे तौर पर इसे शर्मिंदगी भरा माना है। इतना ही नहीं, कनाडा का मीडिया भारत में इसे दूसरी बार जस्टिन ट्रूडो की शर्मिंदगी मान रहा है। कनाडा के CTV न्यूज की रिपोर्टर एनी बर्जरॉन ओलिवर ने कहा, भारत में कनाडा सरकार के लिए शर्मिंदगी का यह दूसरा मौका है। पिछली बार जब जस्टिन ट्रूडो 2018 में भारत आए थे, तब उनके भारतीय कपड़ों की पसंद को लेकर मजाक बनाया गया था। उनकी वह ट्रिप डिजास्टर थी। इस बार G20 समिट खत्म हो गया है, सभी वर्ल्ड लीडर्स जा चुके हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो यहीं हैं, क्योंकि उनके प्लेन में एक टेक्निकल इश्यू आ गया है। कैनेडियन मीडिया ने बताया कि जस्टिन ट्रूडो प्लान विजिट के 2 दिन बाद लौट पाए। उनके विमान में आई खराबी को ठीक कर लिया गया है। एयर ट्रैफिक ट्रैकर वेबसाइट फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का प्लेन CFC-01 दिल्ली एयरपोर्ट से दोपहर 1 बजे उड़ा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का प्लान था कि वह G20 में शामिल होने के बाद वापस लौट जाएंगे, लेकिन रविवार की रात जब वह वापस जाने वाले थे, तभी प्री फ्लाइट चेक्स के दौरान उनके प्लेन में खराबी पाई गई, जिसके बाद कनेडियन आर्मेड फोर्सेज ने इस प्लेन को उड़ने से रोक दिया। सोमवार तक इसमें आई खराबी को नहीं सुधारा जा सका। बाद में पता चला कि इसका एक पार्ट खराब हो गया है, जिसे बदलना ही पड़ेगा। बाद में कनाडा से एक कमर्शियल फ्लाइट के जरिए इस पुर्जे को नई दिल्ली भेजा गया। कनाडा ने एक दूसरा विमान भी भेजा, जो लंदन में रुका हुआ था, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब जस्टिन ट्रूडो को इस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 2016 में प्रधानमंत्री बेल्जियम जा रहे थे, लेकिन प्लेन के उड़ने के आधे घंटे बाद ही इसमें एक खराबी आ गई, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। 2019 में उनका प्लेन हैंगर में ले जाने के दौरान दीवार से टकरा गया, जिसके कारण वह कई महीनों तक उड़ नहीं सका। तब 2019 के नाटो समिट में शामिल होने के लिए जस्टिन ट्रूडो एक बैकअप प्लेन से गए, लेकिन लंदन में उस प्लेन के इंजन में खराबी आ गई, जिस कारण उसे उतारना पड़ा। नई दिल्ली में प्लेन में खराबी आने के 6 घंटे बाद ही कनाडा के प्रधानमंत्री को वापस ले जाने के लिए भारत ने ऑफर दिया था। कई रिपोर्ट्स आई हैं जिसके मुताबिक भारत ने एयर इंडिया वन का ऑफर ट्रूडो को दिया। भारत का एयर इंडिया वन राजकीय विमान है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा के दौरान सफर करते हैं। हालांकि कनाडा ने इस ऑफर को मना कर दिया। कनाडा के PM G20 में हर बार किसी न किसी एम्बैरेसमेंट के कारण सुर्खियों में रहते हैं। 2022 में बाली में हुए समिट में जस्टिन ट्रूडो को शी जिनपिंग ने सुना दिया था, जिसका वीडियो पूरी दुनिया में सामने आया था। इस बार भी जब वह यहां आए, तो मीडिया ने उनसे पूछा कि G20 में कनाडा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। इस पर वह कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए।